हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे ओरएसएस लर्नर्स। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वाटर एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन बायोकेमिस्ट्री। जैसे कि हमें पता है कि कोई भी लाइव हो तो उसके लिए वाटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इट इज़ अ वाइटल इसेंस, मिराकल ऑफ नेचर एंड द ग्रेट सस्टेनर ऑफ लाइफ। विदाउट वाटर लाइफ कैन नॉट बी सस्टेन। हम सबको पता है कि वाटर के बिना लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी, अराउंड 7 kg/person। यदि कोई इंसान 70 kg का है तो उसके अंदर कितना वाटर कंटेंट है, जिसमें मेनली 30 liters वाटर है दैट इज़ प्रेजेंट इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड्स, और जो बाकी का है 42.5 में से 30 ये है और बाकी का जो है 12.5 दैट इज़ मेनली एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, जिसमें आता है प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल एंड लिम्फ एंड देन ट्रांससेल्युलर फ्लूइड्स। तो ये कुल मिला के 12.5 liters जितना वाटर वहाँ पे अवेलेबल है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड्स में, और बाकी का जो 30 liters वाटर अवेलेबल है दैट इज़ मेनली प्रेजेंट इन इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। इन दिस स्ट्रक्चर वी कैन सी द वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, वन एटम ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ 2 atom ऑफ हाइड्रोजन। अब जैसे हम सबको पता है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर नंबर है 1 और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर नंबर है 8, तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो कन्फिग्रेशन होता है, जो बॉन्डिंग है, दैट इज़ sp3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन। ये है sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। अब जब sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है तो नॉर्मल sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है वो होता है 109.5 degree। बट इन केस ऑफ वाटर, वाटर इज़ ऑल्सो sp3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन, बट यहाँ पे जो ये एंगल है दैट इज़ 104.5 degree। दैट मीन्स इट्स स्लाइटली मीन्स 5 degree लोअर देन नॉर्मल sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हमें ये भी पता है कि ऑक्सीजन के पास टोटल 8 electrons है और सेंटर में उसके पास 8 proton है, और हाइड्रोजन के पास 1 proton है सेंटर में और उसके पास ऑर्बिट में 1 electron है। अब ये मॉलिक्यूल स्टेबल तब होंगे जब वो अपनी ऑर्बिट ख़त्म कर ले, जैसे आइदर फर्स्ट ऑर्बिट ख़त्म होनी चाहिए, सेकंड ऑर्बिट ख़त्म होनी चाहिए, थर्ड ऑर्बिट ख़त्म होनी चाहिए, कम्प्लीटली फिल होनी चाहिए विद दी हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं होना चाहिए या एक इलेक्ट्रॉन कम नहीं होना चाहिए, इसी बेसिस पे वहाँ पे बॉन्ड जनरेट होते हैं। जैसे आयोनिक बॉन्ड में हमें सबको पता है कि NaCl, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है और Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। Na इज 11, Cl इज 17, सो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से वो 10 electrons हो जाता है, 1s2, 2s2 एंड 2p6, टोटली आपकी थर्ड ऑर्बिट कम्प्लीट, सेकेंड ऑर्बिट कम्प्लीट हो गई। बट Cl के पास 18 electrons हो जाते हैं, दैट मीन्स 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, 3p6, दैट मीन्स कि उसकी थर्ड ऑर्बिट कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे ये आयोनिक बॉन्ड होता है, उसी तरह पे वाटर में भी बॉन्ड होना चाहिए, और ये जो बॉन्ड बन रहा है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट होने की वजह से नहीं बन रहा, बट इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बन रहा है। ये नीचे की फिगर में हमें दिख रहा है कि ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8। फर्स्ट ऑर्बिट में 1s2 2 electron अरेंज हो गए, अभी उसके पास अवेलेबल है 6 electrons जो होते हैं 2s2 और 2p4। अब जब ऑक्सीजन को अपनी सेकंड ऑर्बिट ख़त्म करनी है तो उसको कंपलसरी 2 electron लेने होंगे या फिर टोटली 6 electron डोनेट करने होंगे, तब जाके फर्स्ट ऑर्बिट ख़त्म हो सकती है। तो यदि ऑक्सीजन स्टेबल होना चाहता है तो उसको 6 electron डोनेट करने होंगे, अदरवाइज 2 electrons एक्सेप्ट करने होंगे। सेम इन केस ऑफ हाइड्रोजन, इफ हाइड्रोजन वॉन्ट्स स्टेबिलिटी दैट इट मीन्स इट हैज टू डोनेट 1 electron, अदरवाइज इट हैज टू एक्सेप्ट 1 electrons। तो यहाँ पे अब क्या होता है, ना ही ये दोनों में से कोई मॉलिक्यूल डोनेट करता है ना ही एक्सेप्ट करता है, वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ अपना इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रखा, उसी के साथ ऑक्सीजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रखा है, तो यहाँ पे शेयरिंग की वजह से 1s2 हो गया, दैट मीन्स हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट 1s1 एंड 1s2 कंप्लीट हो गई। अब हाइड्रोजन के पास स्टेबिलिटी है। सेम इन केस ऑफ सेकंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल,
वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयरिंग में रखे हैं वो ऑक्सीजन में भी यूटिलाइज होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का भी 1s2, 2s2 एंड 2p6 हो जाता है। इसी वजह से वाटर इज अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन सिंगल हो तो H2 लिखा जाता है, ऑक्सीजन सिंगल हो तो O2 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं दो मॉलिक्यूल, और उस तरह से कॉम्बिनेशन करते हैं। बट जब आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिक्स करते हो H2O, तो इस तरह से वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रखते हैं, जिसकी वजह से दोनों की अपनी खुद की ऑर्बिट खत्म हो जाती है, और उसी की वजह से वो फिर स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब होता क्या है कि ये हमारे पास जो ये सेंटर है, ये जो सेंटर है उसके पास, यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है। अब ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन का अट्रैक्शन लगता है। अब ये जो ऑक्सीजन है उसके सेंटर में हमें पता है कि 8 उसका मॉलिक्यूलर नंबर है, दैट मीन्स कि सेंटर में उसके पास 8 प्रोटॉन्स अवेलेबल है। वही 8 प्रोटॉन्स ये दो इलेक्ट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, तो यही पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। उसी जगह पे यहाँ हाइड्रोजन के पास सेंटर में भी एक प्रोटॉन अवेलेबल है, तो वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो ये प्रोटॉन भी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। पर यहाँ पे ऑक्सीजन के पास नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है और हाइड्रोजन के पास नंबर्स ऑफ प्रोटॉन कम है। ऑक्सीजन के पास 8 और हाइड्रोजन के पास ओनली सिंगल। तो हमको ये तो पता है कि जब 8 प्रोटॉन मिलके दो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे तो वो जो अट्रैक्शन है वो एज कंपेयर टू 1 प्रोटॉन अपनी ओर खींचेगा उससे ज्यादा ही होगा। तो इसी वजह से ये जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टूवर्ड्स स्लाइटली ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों हाइड्रोजन के इसके भी वहीं चले जाएंगे जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, टूवर्ड्स स्लाइटली वो ऑक्सीजन की ओर रहते हैं। और अब हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज, और ऑक्सीजन यदि ये नेगेटिवली चार्ज खुद की ओर लेता है बिकॉज ऑफ प्रोटोन के अट्रैक्शन की वजह से, यदि वो खुद की ओर आते हैं, दैट मीन्स ऑक्सीजन इज नाउ पार्शियली नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल इन केस ऑफ वाटर, और हाइड्रोजन ने पार्शियली उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है। दैट मीन्स हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे अब हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। अब ये बात हो गई हमारे एक वाटर मॉलिक्यूल की, यही हमें और एक मॉलिक्यूल वाटर का अवेलेबल है। तो अब उसमें क्या है कि एक हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिवली चार्ज है, हाइड्रोजन इज पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज। दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें भी सेम कंडीशन है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का पार्शियली नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन नाउ इंटरैक्ट विथ पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑफ अदर वाटर मॉलिक्यूल। एक हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिवली हाइड्रोजन की टूवर्ड्स में वहां पे अट्रैक्शन जनरेट करता है। तो उसकी वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमारा एक और वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब ये हमारा नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा हमारा पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनेगा दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से वाटर की स्टेबिलिटी और इंक्रीज हो जाती है। देन सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। जैसे वाटर हमें सबको पता है कि इट हैज़ अ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स द टेम्परेचर एट विच वाटर और एनी मॉलिक्यूल स्टार्ट्स मेल्टिंग सॉलिड, वैसे वो लिक्विड कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है। तो वाटर का सबसे हाईएस्ट है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, बाकी सब काम माइनस में है। ये सब माइनस इतने टेम्परेचर पे ही लिक्विड में से सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ वाटर इट स्टार्ट मेल्टिंग एट 0 डिग्री। एक्सेप्शन होता है साइंस में, दैट इज कॉमन, जैसे बेंजीन का है 6 डिग्री सेल्सियस। देन अगेन इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो हाईएस्ट इन वाटर। हमें पता है कि वाटर इज स्टार्ट बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस, बाकी सब का बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है एज कम्पेयर टू वाटर। अगेन एक्सेप्शन इन केस ऑफ ब्यूटेनॉल, इट हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट एट 117 डिग्री सेल्सियस। देन हीट ऑफ वेपराइजेशन, कितनी हीट चाहिए 1 ग्राम वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड दैट इज ऑल्सो हाइएस्ट इन केस ऑफ वाटर।
540 कैलोरी पर ग्राम, 1 ग्राम वाटर को हमें वेपर में कन्वर्ट करना है तो हमें 540 कैलोरी जितनी एनर्जी चाहिए तब जाके वो 1 ग्राम वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। दैट इज ऑल्सो हाइएस्ट अमंग ऑल अदर सॉल्वेंट्स। हीट कैपेसिटी, कितनी हीट वो टॉलरेट कर सकता है, दैट इज ऑल्सो हाइएस्ट इन केस ऑफ वाटर। हीट फ्यूजन इज ऑल्सो हाइएस्ट इन केस ऑफ वाटर। देन सरफेस टेंशन, कोई भी लिक्विड है तो उसकी सरफेस पे जो टेंशन होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, दैट इज ऑल्सो हाइएस्ट इन केस ऑफ वाटर। एंड देन डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रिक परमिबिलिटी, वो भी सबसे ज़्यादा वाटर की है। तो यही सब प्रॉपर्टीज है वाटर की, जिसकी वजह से वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट बन जाता है कि मेजॉरिटी कंपोनेंट को आप वाटर में डिसॉल्व कर सकते हो। अदर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज एक्सपेंशन ऑन फ्रीजिंग। जैसे हम सबको पता है कि फ्रीजिंग का मीनिंग है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड। कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे आपका वाटर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रिज में हमारे पास 2 कंपार्टमेंट होते हैं, 4 डिग्री कंपार्टमेंट एंड 0 डिग्री कंपार्टमेंट। 0 डिग्री पे बर्फ होती है और जो 4 डिग्री है उसमें कभी भी बर्फ नहीं होती है पानी से। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री पे कभी भी वाटर इट्स नॉट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म, वो कभी भी आइस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, बट 0 डिग्री पे ही कन्वर्ट होगा। और 4 डिग्री पे जब पानी होता है तो पानी की मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री पे होती है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, दैट मीन्स कि वेट सबसे ज़्यादा है या वॉल्यूम सबसे कम है। तो 4 डिग्री पे जब आपके पास वाटर है उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, दैट मीन्स कि वेट सबसे ज़्यादा होगा या फिर वॉल्यूम सबसे कम होगा। वेट तो वो कांस्टेंट रहता है, 1 ग्राम वाटर तो 1 ग्राम वाटर ही रहेगा, वो तो चेंज होने वाला नहीं है। दैट मीन्स कि टेम्परेचर के हिसाब से वाटर का वॉल्यूम चेंज होता है और 4 डिग्री पे जो वॉल्यूम है वो लीस्ट वॉल्यूम है, तभी जाके डेंसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। जैसे यहाँ पे है, देखिए ये बी में लिखा है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी कितनी होती है, 1 इन केस ऑफ वाटर। दैट मीन्स 4 डिग्री पे डेंसिटी 1 है, दैट मीन्स कि 1 ग्राम वाटर है तो उसका वॉल्यूम भी 1 cc ही है, इसीलिए हमारी डेंसिटी 1 आ रही है। जैसे ही 4 डिग्री से आप ऊपर जाओगे, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री या 4 डिग्री से हम कम आते हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 0, तो क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, उसी की वजह से डेंसिटी फिर 1 से लोअर हो जाती है, क्योंकि वेट तो वही रहेगा, 1 ग्राम का 1 ग्राम ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज होता है जिसकी वजह से फिर डेंसिटी कम होती है। तो 4 डिग्री पे आपका वाटर है वो आइस में कन्वर्ट नहीं होता है, तो एज कम्पेयर टू 4 डिग्री जब आप उसको फ्रीज करोगे, 0 डिग्री पे ले जाओगे, तो क्या होगा, डेंसिटी कम हो रही है, दैट मीन्स वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसीलिए ये कहा गया है कि एक्सपेंशन ऑन फ्रीजिंग। और वो प्रैक्टिकली प्रूव भी किया है कि जब आप 4 डिग्री पे वाटर रखते हो तो 1 ग्राम वाटर का वॉल्यूम है 1 cc, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, बट जब आप उसी 1 ग्राम वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हैं तब फिर उसका वॉल्यूम हो जाता है 1.09 cc। दैट मीन्स 0.09 cc जितना वॉल्यूम बढ़ जाता है बाय फ्रीजिंग। तो ये एक उसकी प्रॉपर्टी है। देन सेकंड, यूनिकली हाई सरफेस टेंशन। वाटर का सबसे ज़्यादा सरफेस टेंशन होता है जिसकी वजह से वो उसमें कैपिलरी एक्शन हमें देखने को मिलती है, और उसी की वजह से प्लांट्स के अंदर जो स्मॉल कैपिलरी टाइप्स जाइलम अवेलेबल होती है तो उसमें आराम से वाटर विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स ग्राउंड लेवल से टॉप के लिफ्ट तक वाटर हमारा पहुँच जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस हाई सरफेस टेंशन। देन यूनिकली हाई हीट कैपेसिटी, वो ऑलरेडी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस कर लिया कि हाईएस्ट है उसकी वो भी। एंड द लास्ट इज हाई सॉल्वेंट पावर, वो भी सबसे ज़्यादा वाटर की है, क्योंकि वाटर में हम आराम से बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसको हम उसको आयोनाइज करके डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा वाटर और उसकी इम्पोर्टेंस इन बायोकेमिस्ट्री और इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे pH, कॉन्सेप्ट ऑफ pH, कैसे वो 0 से 14 है, एसिड क्या है, बेस क्या है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।